तो मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 500 करोड़ रुपए की जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज बोयारी गटर, तो 500 करोड़ का टेंडर निकाला गया था, उसमें 4 कंपनी आई थी और 2 क्वालिफाइड किए गए, 2 को रिजेक्ट किया गया और 22% इंडो कंपनी को टेंडर दिया जाने की पूरी प्रोसीजर शुरू की गई, यानी दिया जा चुका था। यह आपको भी पता है, शहर को भी पता है। और उस वक्त से और उससे पहले से हम लोग इस बात का मुतालबा करते आए हैं। हमारा ऑब्जेक्शन रहा है कि 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कॉरपोरेशन दे रही है ठेकेदार को और इसमें सियासी लोगों का आशीर्वाद है, मुलविस है और 110 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जाने वाला है। यह बात का ऐलान बार बार हमने किया और मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। 13/11 को असलम अंसारी साहब ने एक कॉरपोरेशन को लेटर दिया और 13/11 को एक लेटर मैंने किला पुलिस स्टेशन में दिया। असलम अंसारी साहब ने जो कमिश्नर को लेटर दिया, यह डिमांड की कि एंडो कंपनी को जो आप 22% आबो 110 करोड़ रुपए का ज्यादा टेंडर दे रहे हो, उसके जो डॉक्यूमेंट है, जो उसके पेपर है, जो टेंडर में उसने सबमिशन किया, बोगस है, डुप्लीकेट है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने जो डिमांड किया किला पुलिस स्टेशन में कि डुप्लीकेट पेपर है, फेक है, झूठे पेपर लगाकर टेंडर हासिल किया गया और ठेकेदार पर प्राइवेट कंसल्ट जो कॉरपोरेशन का है पीएमसी और टेंडर कमेटी के ऊपर गुना दाखिल किया जाए, ऐसी तकरार किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दाखिल की। ये 13/11 की घटना है। उसके बाद असलम अंसारी साहब की डिमांड पर कमिश्नर साहब ने एंडो कंपनी को एक लेटर दिया कि जो आपने अपने सीएसए के मार्फत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट टर्नओवर जो सबमिट किया, उसका वेरिफिकेशन चाहिए, जो असलम अंसारी साहब की डिमांड। 22/11 को ही असलम अंसारी साहब की डिमांड पर 22/11 को इम्फाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मणिपुर रियासत को कमिश्नर ने कि ये डुप्लीकेट पेपर है क्या, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है क्या, इसका वेरिफिकेशन मंगवाया हमारी डिमांड के ऊपर। इन्होंने 22/11 को रजिस्टर किया। अब रजिस्टरी करने के अंदर जो समय लगने वाला था वो एक कमिश्नर और टेंडर समिति कॉरपोरेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश कर रही थी। इनका मकसद कभी नहीं रहा कि वेरिफिकेशन आ जाए, कभी ना, ना कॉरपोरेशन का रहा, ना कमिश्नर का, ना निविदा समिति का, ना सियासी लोग जो मुलविस है उनका कभी नहीं रहा। 28/11 को असलम अंसारी साहब, शकील जानी बेग साहब, फारहान शेख और मैं सिटी इंजीनियर के दफ्तर में गए कॉरपोरेशन में श्री बच्छाव साहब के पास और हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हमारी डिमांड के ऊपर क्या आपने वेरिफिकेशन किया, क्या क्या लेटर भेजा क्या। तो उन्होंने हमको यह पत्र दिया था 22/11 का कि हमने इम्फाल मणिपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पत्र भेजा है, हमने उसकी एक कॉपी ली, मणिपुर एक कॉपी हमने उनसे हासिल की और यह कॉपी लेकर असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, फारहान शेख और शाहिद अंसारी जो हमारे दोस्त है वो धुलिए के, ये लोग वहां पर 29/11 को पहुंचे
मणिपुर 29 तारीख को वहां पहुंचे और वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो लेटर दिया था, रजिस्टर किया था, वो लेकर इन्वर्ट करें वहां पर इन्वर्ट करें और उनको हालात बताए। जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने, जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने लगाया था टेंडर के अंदर, उस वो बताए उनको कि ये क्या, हाँ, क्या ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट उस ठेकेदार को तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के काम मुकम्मल हो गया, क्या आपने ये कंपनी को मणिपुर इंपाल कॉर्पोरेशन ने ठेका दी थी क्या, इस तरीके का वहां पर जाके जब पूछा गया तो सेम डे 29 तारीख को शाम में म्युनिसिपल कमिश्नर इंपाल ने एक लेटर अपने मेल आईडी से, इंपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी से, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी पर भेजा और यह लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी को ना हमने टेंडर दिया, ना हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ना ऐसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और ना इस कंपनी से हमने कभी काम लिया है। यानी ये झूठा सर्टिफिकेट लगाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में हासिल करने की मुकम्मल साजिश रची जा चुकी थी और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बोगस सर्टिफिकेट निकला 29 तारीख को, ये सर्टिफिकेट है। और 30 तारीख को मैं मुंबई में था जब ये हमारे साथी मणिपुर में थे, इन्होंने मुझको वहां से मेल किया, व्हाट्सएप किया और उसी वक्त तो प्रधान सचिव नगर विकास दो को मैंने जगह पर एक लेटर बनाकर दिया कि अब ये साफ हो गई ये बात कि ये सर्टिफिकेट जो लगाकर टेंडर हासिल किया जाने वाला था ये बोगस निकला, डुप्लीकेट। ये हम नहीं बोल रहे, ये इंपाल म्युनिसिपल कमिश्नर बोल रहे हैं और इन्होंने कॉर्पोरेशन में लेटर दिया तो वो ठेकेदार के ऊपर आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया जाए। उसने 420 किया, उसने फ्रॉड किया और उसको साथ देने के एवज में मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गोसावी और टेंडर कमेटी के पूरे अराकीन और जो पीएमसी नासिक जो अपॉइंट किया गया था, कॉर्पोरेशन ने की थी, जिसने ये पेपर की स्क्रूटनी की, छाननी की, उसके ऊपर भी गुना इन लोगों के ऊपर भी दाखिल किया जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए क्योंकि ये 610 करोड़ का टेंडर देना चाहते थे जो 500 करोड़ का टेंडर था और एक साजिश थी। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी और इनके ऊपर गुना दाखिल कीजिए। इस तरीके का लेटर मैंने दिया और इसकी एक कॉपी जिला एसपी साहब को और किला पुलिस स्टेशन को भी दी गई और कल मैं एडिशनल एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, जिला एसपी साहब से मैंने डिमांड किया, कल एडिशनल एसपी साहब भारती साहब से मुलाकात की कि एक छोटा सा कोई राशन का डुप्लीकेट बना लेता है, कोई एक छोटा सा आधार का डुप्लीकेट किसका बना लेता है तो उसको 3-3 महीना जमानत नहीं मिलती, फ्रॉड है, 420 किया, 500 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड, मणिपुर रियासत की सरकार को चैलेंज और महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज और फंसाने का काम किया गया, फ्रॉड किया गया, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इस तरीके का हमने डिमांड किया।